अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दिस इज़ मी अस्मा राशिद अली, और हम सब की तरफ से उम्मत मुसलमान को, मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से ईद मुबारक। और आज जो है ईद का फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे पे अम्मी के यहाँ जो है वो कुर्बानी होती है, और तो आज बस उसी की तैयारी चल रही है। तो अभी हम लोग जो है अम्मी के घर जा रहे हैं, और वहाँ जाके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो बस फिर चलें। और यहाँ पे जो है वो रिदा सो रही है, तो मैं इसको ऐसे ही ले जाऊँगी, इसको रेडी नहीं करूँगी, फिर ये उठ जाएगी तो ज़्यादा तंग करेगी। इसके कपड़े मैं बैग में रख लूँगी, फिर अम्मी के जब ये उठेगी तो वहीं इसको फ्रेश करवा के और फिर कपड़े पहना दूँगी। और सबसे पहले हमने रबड़ी ख़रीदी, और फिर पहले हम अपने ससुराल गए रिदा की दादी से मिलने। ये कचरी मिली गई 12 बजे तक। सुबह 5 बजे स्टेशन पे आई हुई थी बिरयानी लेने। वो जो कह रही थी ना रात को व्हाइट ऑरेंज चावल लेकर ही आई फिर स्टेशन। कोई नहीं थी। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं अम्मी के घर आ चुकी हूँ, और आने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। बस आपको पता है राशिद जो है वो रात को शॉप से देर से आए, उनकी शॉप सुबह फजर तक ऑन थी, और फिर वो लेट आए तो फिर हम लेट सोए। और इराद ने बार बार कहा था कि टाइम पर आ जाना, टाइम पर आ जाना, लेकिन बस क्या करें, लेट हो गए। और इस वक्त जो है दोपहर का एक या डेढ़ बज रहा है, और मैं अभी यहाँ पर पहुँची हूँ। और अम्मी ने सारा कुछ, मतलब सब कुछ यहाँ पर काम वाम माइंड अप हो गया है, कुर्बानी हो गई है, सारा गोश्त भी बढ़ चुका है, और अम्मी ने कलेजी भी बना ली है। तो बस अभी जाके कलेजी खाएंगे थोड़ी सी, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। निकालो 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 जल्दी, बेबी झूठ, बेबी झूठ बोल रही है, नंगे डाक जल्दी, नंगे डाक फिर बाहर आ जाएगी वो, जल्दी आओ, नहीं जल्दी निकाल ले, डक ले पाव ले ले, डक 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 अगेन अगेन। तो ऐसे शादी क्या कर रहा है? गाय गाय लाए, ये वाओ कश्मीर से गिफ्ट। यस ओ यस यस यस, ये शायद ये बाजू का आएगा सादिया। यू लाइक इट, शो मी। वाओ थैंक यू बोला, थैंक यू, वेलकम। सोन हलवा ये लो, थैंक यू बोलो। ये स्टेशन क्यों जाएंगे? तू बोलती ना मैं स्टेशन क्यों जाऊंगी। चलो कुछ नहीं कुछ नहीं, पापा हम मुल्तान में रुके, मुल्तान में भी दोस्त होती होंगी। हाँ हाजी रबड़ी, हाँ जैसे हाजी रबड़ी है। हाँ डैडी से कराओ, मम्मी से नहीं होगा। देखा था, देखा नहीं करना, कराओ नहीं। अब कम से कम वहाँ से होता तो रिटर्न तो हो जाता। पापा वापिस करवाओ, ये वहाँ से लिया था जहाँ से। ये गर्म नहीं करेगा, ये टेम्परेचर मेंटेन रखेगा सिर्फ, कुछ भी नहीं कर रहा ये। देखा नहीं चल रहा, नहीं ये वायर लगाओ, ये नहीं चल रहा होगा, बट लाइट जलती है, लेकिन मैंने आधे घंटे तक रखा कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो चेक करके नहीं लिया था? नहीं, मुझे जिसको पानी भर के लाइए। क्या ये गरम होगा, इस पे ये कप रख दो, फिर ये इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, पीते रहो गरम गरम, पीते रहो बस। ये बटन चालू करा था, बटन कह रही है ना, लाइटें चल रही है, रखते ही बटन चल जाता है। यस ये लेकर आइए। हाँ ये तुम्हें नहीं दिया, क्या हो गया सादिया, देख के तो आइए तुम्हें। हलवा हलवा, ये क्या है गाड़ी? व्हाट, इन्होंने सो मेनी गिफ्ट दी। आपने सो मेनी थैंक्स बोला? हाँ बोलो, क्या बोला, वन टाइम बोला है आपने थैंक्स, बोलो। दिखाओ रिता दिखाओ, से थैंक्स टू मी, थैंक्स मी, से थैंक्स टू मी, थैंक्स मी। क्या करे, जब इसको मैंने वो दिखाया ना मोटरवे, कहते हैं सीनरी एंजॉय करो छोड़ो वीडियो, कहते हैं आसमान ऐसी डरा रही थी, मूवीज ऐसे डरा रहे थे। कौन कह रहा? शादी है ना। क्या हमने कब डराया?
जलाए कलर कहा कि पहाड़ थोड़े से ऐसे है कि नॉर्मल है वो, मतलब आप उसमें वो कर सकते पर गाड़ी सिक्सटी नहीं, कलर कहा था ना नॉर्मल मोटरवे। मैंने इसके चेहरे को देखा, मैंने कहा तुम्हारी ख्वाहिश में पूरी करता हूँ। जब ऊपर ले गए ना फिर पकड़ के बैठ गई मुझे, इतनी बहुत डर खौफनाक जगह है। पापा वहाँ पे क्या हुआ, मैंने ना मोबाइल उठाया टाइम देखने के लिए, जैसे ही मैं उठी ना वैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुल गया, पर्दे उड़े, खिड़कियाँ खुल गई, मैं जंप आगे बैठ गया। मैंने बोला क्या हुआ आसिफ, यहाँ कुछ है मैंने मूवीज के लिए एक लड़की देखी, अम्मी सुबह 7 बजे उठती है और भाभियाँ 11 बजे, हम लोग उठे 8 बजे, नीचे गए पूरे घर की उसने झाड़ू भी दे दी। ऐसी तो लड़की चाहिए मुझे घर के लिए, 4 गुना से बड़ा घर। अच्छा, से 4 गुना बड़ा हवेली जैसा घर था, खुद करती है खुद सारा अकेले, घर की सफाई, नाश्ता वाले रेडी, और होता ना कि इंसान बोलते हैं हाय मैं भी थक गया हूँ, थक गई हूँ, इस तरह मजाल उसके, उसने ऐसा वर्ड कहा भी उसके आगे सब कुछ किया, फिर मुझे आवाज लगाया बाहर आओ, फिर मैं जो मेरा बैग ला के दिया कि मेकअप करो जल्दी से, बाल बनाओ। क्या हो गया अम्मी, मैं भी मूवीज के लिए एक लड़की देख के आई हूँ। कौन सी? जो घर का काम बिल्कुल नहीं करेगी। अब शादियों वाली चाहिए मेरी वाली, शादियों वाली। मेहंदी नहीं लगी, मेरी मेहंदी क्यों नहीं लगाई, फिर मेहंदी लगाई है सिर्फ के लिए। हां मूवी में है ना, मैंने मूवी में उसका मुंह चेहरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन दिखने में भी बहुत अच्छी थी, तस्वीर नहीं लाई, मैंने तो नाम ही नहीं पूछा था। ओ क्या नाम है? आपकी कजन है, आपको नहीं पता? कजन नहीं है, मेरी खाला है। खाला है, हम दो दिन रह कर आए, नाम ही नहीं पूछा। ये दो थे, अल्लाह ताला ने हमें इन दोनों से सब शुरू कर दिया, अब उन पे तवज्जो इतनी नहीं दी जितनी इन बच्चियों पे दी, और अल्लाह ताला के मैं शुक्र गुजार हूँ जिसने ये सारे सिलसिले कर दिए। अब मसला ये है कि अब आने वाली भी हमारी ही बच्चियाँ, अब एक मरहले से हम निकल गए मगर दूसरे पे हम नजर बंद कैसे कर लें, ये है वो बात। अल्लाह ताला इन दोनों पकड़ दे, अल्लाह ताला। अच्छा, ऐसे लड़ते कुत्ते की तरह, उम्रों में देखो कितना फर्क है, इनकी तारीफ हो रही है। भाई अब हम दो तो हैं, दोनों आपस में मिलके रहो, बेहतर तरीके से रहो, अपने मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बनाओ। पापा इनकी बचपन की एक वीडियो मेरे पास पड़ी है, मैं दिखाऊंगी, ऐसे ही लड़ लेते जो आपने बोला ना अल्फाज, वैसे ही लड़ लेंगे। ऊपर वीडियो में ऊपर लिंक दे देना, हाँ वो मैं लिंक वो मैं लगा दूंगी वीडियो में, वो वाला लिंक। बहुत शर्मिंदा होके अपनी जिंदगी को गुजारो बेहतर से बेहतर, मजेदारी ये है कि सामने वाले लोग आगे बोले बोले भाई वाकई आपने जैसे बच्चियों को तरबियत दी वही तरबियत बल्कि उससे बढ़ के बच्चों को दी, तो है मजेदारी। बजाय इसके कि हम हमारी नजर नीचे होंगे यार क्या तरबियत दी है, कुछ ना कुछ करके बेहतर ये है। समझ आ रहे कुछ? स्लो कर लो, स्लो, सब कान सुनाई नहीं दे रहा, म्यूट कर दो। बेटा जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मैं पहचाना जाऊं तो मेरा फकर से सर बुलंद होगा, बजाय इसके कि मेरी वजह से तुम पहचाने जाओ, वो मकसद नहीं है। मजेदारी ये है तुम कारकर्दगी इतनी करो कि तुम्हारे से मैं शनाख्त में आऊं कि हाँ भाई ये फलाने के वालिद है। आसिफ जा आज तक वो ये इब्राहिम भाई की औलाद है, वो तो है रहेगी, ये हो कि ये वो बच्चे हैं जिनके वाली दिए हैं। किसी मेरे शादी को पता है, मैंने मतलब बताया, देखा तो नहीं पर मैंने वैसे इसको बताया कि मेरे दोस्त यार किस फील्ड से ताल्लुक रखे थे, अब वो क्या है, अब वो मतलब मेरे स्कूल फेल हो गए, मतलब स्कूल में साले थे, मतलब पीजी से पढ़ते गए मैट्रिक तक, वो क्या किस फील्ड में चले गए, अल्लाह ताला को हिदायत दे, हम लोग ऐसे फील्ड में गए कि उनके बाप ने बहाने से उनको घर घर से निकाला है और उसको इंजेक्शन लगाया पकड़ के और फिर गाड़ी में डाला, वरना वो खुद से हॉस्पिटल नहीं जा रहे, ऐसे के दोस्त। और वो ऐसी खूबसूरती उसकी कि अपने टाइम में वो हमारी क्लास के हीरो था, हीरो मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो एक होता ना सब मरते उसमें ऐसा था, और अब जाके देखो ये मुंह बिल्कुल पिचका हुआ हालात, इसके बिल्कुल उसने मतलब गलत राह चुन ली,
दोस्त अच्छे मिलना भी उसको दिया गोश्त। आज के लिए ये लेक्चर काफी, इस पे अमल करिएगा आप नेक्स्ट टाइम। और आपको एपिसोड नंबर 10 पे, यस एपिसोड नंबर 10 पे आपको 9 फिनिश हो गया, 10 शुरू हो गया। हाँ, सबक नंबर कौन सा? 256 256 दिया जाएगा। अभी आप इस पर अमल दरामद हो, माँ बाप और उसका कहना। हाँ, माँ बाप और उसका कहना। जैसे बाहर आ गए, पता नहीं है असली राजी रबड़ी है या हमने एसी लगावा। और अब साजिया जो है कराची के लिए रवाना हो रही है। कराची की तैयारी या क्वेटा की? कराची देन क्वेटा, कहीं भी चारी नहीं जाएगी। डिंगी में मिलूंगी मैं क्वेटा में, उसके दिल में चल रहा होगा। डिंगी में सांस घुटा होगा, फिर सारे मेडियर हो गए। ये हो गया और ये कूलर जाएगा। चलिए ठीक है। हाँ अपन ये ले लो बेटा कूलर। और बस चप्पल दे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि दोपहर को जो है वो मुझे आने में तो लेट हो गया था, तो अम्मी ने जो है वो सारा काम तो नहीं देखा। जो दोपहर में जो है अम्मी ने कलेजी बनाई थी और सारा गोल्ड भी वाइंड अप करना था, बांटना था सब कुछ, वो अम्मी ने अकेले किया। तो अभी अम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फिर जो है मैंने सोचा कि रात की बिरयानी जो है वो मैं बना लेती हूँ। और साथ ही अभी जो है वो चली गई है, उसे काफ़ी रोका रात के खाने के लिए, लेकिन बस बात ही ऐसी थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आसिफ को जो है अभी कराची जाकर फिर क्वेटा के लिए निकलना था, तो इसलिए उन्हें भी जल्दी यहाँ से हैदराबाद से रवाना होना लाजमन था। तो अभी बस जो है मैं वो बिरयानी बना रही हूँ, और यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाती हूँ ये यखनी की, यखनी जो है वो अम्मी ने ऑलरेडी वो तैयार की हुई थी, और बस मुझे मेरा यहाँ पे बिरयानी का मसाला भुन रहा है, और बस उसके बाद जो है ये यखनी मैं इसमें डालूंगी और फिर चावल, बस फिर बिरयानी रेडी। और फ्रेंड्स, यहाँ मेरी बिरयानी भी जो है वो रेडी हो गई थी। सो नाउ फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू मूव ऑन, और अब मैं घर जा रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।